केमिकल इक्वेशन. बिफोर मूविंग ऑन टू द केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले आप मुझे बताइए इसका क्या मतलब होता है. आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म ज़रूर यूज़ करते होंगे, जैसे कि TTYL, दैट मीन्स टॉक टू यू लेटर. ठीक है, फिर हम यूज़ करते हैं TY फॉर थैंक यू. फिर ओके को हम सिर्फ K लिख कर छोड़ देते हैं, है ना, ऐसा होता है. फिर गुड मॉर्निंग को GM, गुड नाइट को GN, है ना, टेक केयर को TC, है ना. तो इस तरह की जो शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, सिमिलर कॉन्सेप्ट में आपके केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ होते हैं. ठीक है, हम पूरा उसका नाम नहीं लिखने जाते हैं, वहाँ पर हम उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. एंड ये शॉर्ट फॉर्म जो कि हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, तो देखिए, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन. सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को पूरा पूरा ना लिखकर हम सिर्फ H लिखकर भी काम चला सकते हैं, है ना. ऑक्सीजन को पूरा पूरा ऑक्सीजन ना लिखकर सिर्फ O से हमने रिप्रेजेंट कर दिया. तो इस तरह से सिंबल हमने असाइन कर दिए पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन दैट यूजेस फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. तो अगर कंपाउंड है तो फॉर्मूला होगा, एंड अगर एलिमेंट है तो सिंबल्स होंगे. जैसे कि अगर मैंने कहा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तब वहां पर फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज NaCl. ठीक है, इस तरह से. जबकि मैंने बोला ऑक्सीजन तो सिर्फ O आएगा. तो ये सिंबल है एंड ये कंपाउंड है. ठीक है, that uses formula of compound and symbols of elements to represent a chemical reaction. तो कोई भी chemical reaction जो हो रही है उसमें जो भी reactant participate कर रहे हैं हम उसको short form दे देते हैं. जैसे कि water को बनाने के लिए चाहिए होता है hydrogen, ठीक है, and oxygen. तो हमने उसका पूरा पूरा नाम ना लिख कर उसको short form में represent कर दिया, that is H2 and O2. ठीक है, gives out H2O. अच्छा, यहाँ पर तो देखो ये मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के दो पार्टिकल्स हैं. ठीक है, दो एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ये भी मॉलिक्यूल, ठीक है. तो यहाँ पर ये चीज जो आपको देखने को मिल रही है, इट इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एंड ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इट इज सिंबल्स. ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म कॉपर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अच्छा, अब इसको लिखने के दो तरीके हैं. या तो हम इसको सीधा सीधा ऐसे लिखें, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन गिव्स आउट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कॉपर. ये एक तरीका है. तो ये देखो कितना लंबा है, इसमें कितना लिखना पड़ रहा है, इसमें टाइम बहुत ही वेस्ट होगा. या दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें. जैसे कि कॉपर ऑक्साइड को हमने लिखा CuO, एंड हमने कार्बन को लिखा सिर्फ C, एंड देन कार्बन मोनोऑक्साइड को लिखा CO, एंड आपका जो कॉपर है उसको अगेन CU. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. जैसे इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं ना बड़े बड़े वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए एब्रीवेटेड वर्ड्स, जैसे कि TTYL, TC, TY, OK को सिर्फ K लिख दिया. सिमिलरली केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. इससे हमारा टाइम भी बचता है एंड हमें ज़्यादा अच्छे से केमिकल रिएक्शन समझ में आती है. ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है अगर हम उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो. सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन. ये तो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ ही लिया था कि केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है. केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाटएवर कंपाउंड और एलिमेंट विच आर पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन. जैसे कि मैंने कहा सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ठीक है, टू गिव सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो देखो इसको लिखने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा एंड आपको क्लियरिटी भी ज़्यादा नहीं मिलेगी. जबकि हम अगर इसको केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से. देखो सोडियम यानी कि यहाँ पर आएगा Na,
सोडियम का सिंबल होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। आपको मैं अभी बताऊंगी कि आपको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे आपके लेवल तक, ठीक है। हायर क्लास में जाओगे तो अब तो पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल ही याद करनी पड़ती है, लेकिन अभी के लिए क्लास 10 तक आप 1 से लेकर 20 या 30 एलिमेंट तक याद कर लीजिए, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो जब भी आप केमिकल इक्वेशन को लिखिए, ठीक है। ये कंपल्सरी है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो सोडियम को Na कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्लोरीन, क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं CnL से। देखो यहाँ पर जो C होता है वो कैपिटल होता है, एंड L जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। एंड इसको फिर हम एरो से दिखाते हैं, ये आपके जो स्टार्टिंग के दिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट, जो कि आपके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे लिखेंगे NaCl, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पर कितने शॉर्ट फॉर्म में आपने कितनी जल्दी लिख लिया, वही चीज़ जब हमने ऐसे लिखी थी तो बहुत लंबा टाइम ले रहा था, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है ना। तो इसीलिए केमिस्ट्री में हर केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है केमिकल इक्वेशन इज फर्दर 2 कैटेगरीज की होती हैं, नंबर 1 स्केलेटल इक्वेशन, नंबर 2 बैलेंस इक्वेशन। नाउ स्केलेटल एंड बैलेंस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है कि स्केलेटल इक्वेशन नाम से ये पता चल रहा है स्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन प्रेजेंट है वो हमें क्या देती है, ढांचा प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो स्केलेटल इक्वेशन जो होती है वो आपकी केमिकल इक्वेशन का वो पार्ट है जो कि सिर्फ हमें एक जनरल आइडिया देती है कि केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व है एंड कौन से टाइप का प्रोडक्ट बना है, इन जनरल नॉलेज देती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि जो Na है वो Cl के साथ कंबाइन होकर NaCl बना रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया है कि कितने एटम्स Na के लग रहे हैं, कितने एटम्स क्लोरीन के लग रहे हैं एंड कितने आपके कंपाउंड जो होंगे वो NaCl बनेंगे, यानी कि एक एटम मिलके बना रहे हैं या दो एटम मिलकर बना रहे हैं, मतलब कितने एटम्स बेसिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं तब जाके एक कंपाउंड बन रहा है, वो यहाँ पर आपको पता नहीं चलता है। यहाँ पे बस आपको ये पता चलेगा कि हाँ सोडियम रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है एंड सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट बन रहा है, बट कितने एटम्स आपके सोडियम के लगेंगे, कितने क्लोरीन के लगेंगे एंड 1 मोल NaCl बनेगा या 2 मोल NaCl बनेगा, कितने मोल्स बनेंगे, हमको इसका आइडिया यहाँ पर नहीं पता चलता है। जबकि जब हम बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं तब हमको केमिकल इक्वेशन के साथ साथ उसमें कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका भी एग्जैक्ट आइडिया होता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशन। स्केलेटन नाम से ही पता चल रहा है ढांचा, यानी कि सिर्फ स्ट्रक्चर को वो दिखाएगा कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये केमिकल इक्वेशन होती है एंड इसमें ये चीज़ें पार्टिसिपेट करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता चलेगा कि कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स उसमें आपके रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। जबकि बैलेंस इक्वेशन में वी हैव द क्लियर कट आइडिया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाई गिव्स आउट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ जेड, ठीक है। तो इस तरह से हमको प्रॉपर आइडिया होता है कि कितने एटम्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए स्केलेटन इक्वेशन, इक्वेशन विच इज नॉट बैलेंस्ड और एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तो वो इक्वेशन जो कि बैलेंस नहीं होती है उसमें जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो इक्वल नहीं होते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में, मतलब कि हमें उसमें नहीं पता चलता है कि कितने एटम्स प्रोडक्ट साइड में फॉर्म हो रहे हैं, कितने एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड में हैं, ठीक है। जस्ट वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जबकि बैलेंस इक्वेशन इट इज इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। आप सभी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, ठीक है, दैट मीन्स कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो मान लीजिए अगर आपके 3 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के लग रहे हैं तो प्रोडक्ट भी 3 मॉलिक्यूल ही बनेगा,
ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो बैलेंस इक्वेशन का यही रोल होता है LHS एंड RHS को बैलेंस करना। जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में है उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए, ठीक है। जबकि स्केलेटल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर ये अनबैलेंस होते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। सो बिफोर यू नो हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले आपको जो भी सिंबल्स यूज होते हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए वो पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली एटम्स जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो उन एटम्स को बेसिकली कौन से सिंबल मिले हैं आपको ये पता होना ज़रूरी है, तभी आप केमिकल इक्वेशन लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो आपके लेवल पर 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए अलॉन्ग विथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट भी आपको उनका याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप मोल वगैरह चैप्टर पढ़े होंगे तब आपको वहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है ना एंड देन एटॉमिक मास वगैरह भी पूछा जाता है। तो आपको 1 से लेकर 20 तक के याद होने चाहिए, इसका शायद आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि इससे ज़्यादा का देते कभी, जैसे 25वां या 26वां एलिमेंट देते हैं, तब उसका वो नाम ऑटोमेटिकली मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद खुद से करना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले आपके पीरियोडिक टेबल में जिसको जगह दी गई है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एच से। नेक्स्ट है आपका हीलियम, ठीक है, हीलियम HE, उसका इनिशियल ले रखा है HE, उसको कहते हैं हीलियम। देन लिथियम, ठीक है, लिथियम को Li से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बेरेलियम, बेरेलियम को Be, तो स्टार्टिंग के आप देखो तो बड़े इजी हैं क्योंकि उनके इनिशियल्स को ही ले लिया है, जैसे हाइड्रोजन में H को ले लिया, हीलियम में HE, लिथियम में Li, बेरेलियम में Be एंड बोरॉन में B, कैपिटल B, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी इजी है क्योंकि यहाँ पर CNO उनका इनिशियल ले लिया है। नेक्स्ट फ्लोरीन एंड नियॉन भी इजी है, देखो फ्लोरीन में F, नियॉन में NE, ठीक है। देन सोडियम, नाउ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि सोडियम जो होता है उसमें SO है, लेकिन यहाँ पर जो सिंबल है उसमें आपका NA होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में अगेन इनिशियल लिए हुए हैं MNG, एल्यूमिनियम में भी इनिशियल AL, सिलिकॉन में SI, फॉस्फोरस में P, ठीक है। देन सल्फर में S यूज होता है, क्लोरीन में CL, आर्गन में AR, पोटेशियम में अगेन यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको देखो स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स हैं उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सबके इनिशियल्स ही हैं सिवाय सोडियम एंड पोटेशियम के। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि उसके नाम में आता है SO, एंड पोटेशियम में PO यूज़ होता है जबकि K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बाकी सारे आपके इनिशियल्स ही यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट लास्ट देखो कैल्शियम, तो कैल्शियम में भी इनिशियल यूज़ किए गए हैं CNA, ठीक है। तो इस तरह से आपके स्टार्टिंग के 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए अलॉन्ग विद इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल फाइनली गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। नाउ इसको लिखने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जितने भी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा है जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा होता है, हैलोजन फैमिली का होता है, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। एंड इससे पहले आता है आपका ऑक्सीजन फैमिली, यानी कि ऑक्सीजन होगा उसमें, देन सल्फर होगा, है कि नहीं। तो ये जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं जो कि आपके राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दैट इज़ वाई ये कभी भी अपने सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए ये हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपके एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि O2, F2, Cl2, Br, ब्रोमीन Br2, I2, लाइक दिस, ठीक है, दे नेवर एग्जिस्ट इन देयर सिंगल फॉर्म, ठीक। सिमिलरली जो आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला ग्रुप है, यानी कि 15,
16 एंड 17, ठीक है। 18 ग्रुप होता है आपका नियॉन वाला ग्रुप, जो कि आपका इनएक्टिव ग्रुप होता है, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। तो 15, 16, 17 नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हैलोजन फैमिली, ये तीनों ही फैमिली के जो भी मेम्बर्स होंगे वो हमेशा अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रिएक्शन करते हैं, ठीक है, क्योंकि एज अ सिंगल यूनिट बहुत ही वो अनस्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन जो होगा वो N2 के फॉर्म में रिएक्ट करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में रिएक्ट करेगा, एंड फ्लोरीन जो होगा वो F2, ठीक है। इनके सारे जो मेंबर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपके पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ना कि एटम्स के फॉर्म में। जबकि जो मेटल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव आपके जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आपका हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, कार्बन तक, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके, ये आपके मेटल्स होते हैं, तो ये आपके एटम्स के फॉर्म में रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम आपका एज अ सिंगल एटम रिएक्ट कर सकता है, लेकिन क्लोरीन हमेशा आपका Cl2 के फॉर्म में रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये आपकी खास बात हो जाएगी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन। नाउ हाइड्रोजन की पोजीशन जो होती है वो अनसर्टेन होती है, उसको हम नंबर 1 ग्रुप में भी रखते हैं, नंबर 17 ग्रुप में भी रखते हैं, दैट इज इट कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो वो आपका एच के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जब वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा तो वो H2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी खास बात है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स की। सो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन है, राइट डाउन इट्स केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो, मैग्नीशियम का सिंबल हमने अभी याद किया था, क्या होता है, उसके इनिशियल्स MnG को लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करेंगे Mg से, ठीक है। देन ऑक्सीजन, हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए मैग्नीशियम जो होगा वो रिएक्ट करेगा O2 के साथ, ठीक है। नाउ इट विल गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन इज, MgO क्यों लिखा है हमने, तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है +2, तो देखो ये कट जाएगा ना, 2 1 2 2 1 2, तो इसीलिए Mg पर भी चार्ज आपका बन ही आएगा, ना ऑक्सीजन पर भी बन ही आएगा, दैट इज़ वाई ये फॉर्मूला बना है MgO, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं इस पे, एटम्स कितने आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एटम मैग्नीशियम का दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 1 + 2, एंड यहाँ पर आप देखो तो सिर्फ एक एटम मैग्नीशियम का एंड एक ही एटम है ऑक्सीजन का, यानी कि 2, ठीक है। तो एटम्स यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 हैं, दैट इज वायलेशन हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये केवल और केवल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, इट इज़ नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके ये आपकी पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ पर एटम्स जो हैं वो अनइक्वल है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दो ऑक्सीजन हैं, तो हमें वहाँ पर भी दो ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 2, लेकिन मैग्नीशियम का जो नंबर है वो यहाँ पर बढ़ गया है। इस साइड में सिर्फ एक ही मैग्नीशियम, यहाँ पर दो एटम्स हो गए मैग्नीशियम के, तो हम फिर यहाँ पर भी दो एटम्स लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दो एटम्स हैं मैग्नीशियम के एंड दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, दैट इक्वल्स टू 4, एंड सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो दो एटम्स मैग्नीशियम के हैं, दो ही एटम्स आपके ऑक्सीजन के हैं, That will give you 4, ठीक है। तो यहाँ RHS एंड LHS दोनों ही साइड में 4-4 एटम्स हैं, यानी कि बैलेंस हो गया है। तो अब ये आपकी केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, इसमें किसी भी तरह का आपका कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि दो एटम्स मैग्नीशियम के जब कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो दो मॉलिक्यूल आपके
MgO के बनते हैं, दैट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर क्लियर कट आइडिया मिला है। जबकि अगर हम सिर्फ स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे तो हमें ये आइडिया नहीं मिलेगा कि कितने मैग्नीशियम यहाँ पर कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तब जाकर इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है स्केलेटन एंड केमिकल इक्वेशन में। अनदर एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज राइट डाउन केमिकल इक्वेशन। तो इसकी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो अगेन हम इसको N2 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा N2, फिर लिखा है हाइड्रोजन। नाउ हाइड्रोजन यहाँ पर अगेन नॉन मेटल के फॉर्म में आपका रिएक्शन करेगा, दैट इज H2 के फॉर्म में करेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर H2। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। अमोनिया में आपका ऑब्वियस ही बात है N होगा एंड H होगा। नाउ फॉर्मूला क्या बनेगा वो हम केमिकल फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो बताइए नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +3 एंड हाइड्रोजन पे होता है 1। ठीक है, 1, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा NH3। ठीक है, अभी बैलेंसिंग पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये आपका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा अमोनिया का, दैट इज NH3। तो ये समझ में आया कैसे आया यहाँ पर 3, क्योंकि नाइट्रोजन पे चार्ज होता है +3 का, तो जब वो H के साथ कंबाइन होगा तो NH3 फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास 9th में ही पढ़ा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बैलेंसिंग पर। तो देखो नाइट्रोजन के कितने एटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, आपके 2 एटम्स, एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है एंड यहाँ पर 3 एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। तो देखो कितना अनबैलेंस है ये, यहाँ पर 2 ही एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं एंड यहाँ पर 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के जबकि यहाँ पर 1 है। तो ये अगेन आपका अनबैलेंस इक्वेशन है, तो इसको हमें सबसे पहले बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो ऑब्वियस ही बात है हमें यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा ताकि नाइट्रोजन बैलेंस हो सके। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पर 2×3 6 हाइड्रोजन हो गए। तो देखो 2 नाइट्रोजन +6 हाइड्रोजन, दैट विल इक्वल्स टू 8 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ देखें दैट विल 2+2 दैट इज इक्वल्स टू 4 ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको ये चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर 6 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर भी 6 करने पड़ेंगे, दैट मीन्स हमको यहाँ पर लिखना होगा 3। ठीक है, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तब जाकर ये इक्वेशन आपकी देखो बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एंड 3×2=6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विच विल इक्वल्स टू 8 एंड यहाँ पर भी 8, यानी कि LHS एंड RHS इक्वल हो गए हैं। अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है एंड अब यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट में कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमें पता चल गया है। जैसे कि यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये देखो N2 के फॉर्म में है ना, तो 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ तो गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, दैट इज NH3। ठीक है, तो ये आपका हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड अगर आपसे बोले स्केलेटल इक्वेशन तो आप बस इसमें से ये हटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, तो देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है उस पर हम एक बार नज़र मार लेते हैं। द इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। तो वो इक्वेशन जहाँ पर एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड आपके प्रोडक्ट साइड में इक्वल होते हैं उसको कहते हैं बैलेंस इक्वेशन, जबकि स्केलेटल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तभी आपने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था ना कि नाइट्रोजन जो है वो 1 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा था जबकि हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे थे, तब जाके 2 मॉलिक्यूल आपके अमोनिया के फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, यानी कि अगर आपको अमोनिया बनाना है तो आपको 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन लेना होगा, 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन लेने होंगे
तब जाके अमोनिया बनेगा। अगर आप ये नहीं फॉर्मूला रखोगे तब आपका अमोनिया नहीं बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स आपको एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए। जैसे कि अमोनिया का बहुत यूज़ है इंडस्ट्रीज़ में, है ना, जितने भी आपकी सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ है उसमें अमोनिया को यूज़ किया जाता है। तो अमोनिया को बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन है एंड उसमें कितने एटम्स लगेंगे, अगर हमें यही नहीं पता है तो अमोनिया बना पाएंगे हम? नहीं बना पाएंगे ना। तो यही आपका सिग्निफिकेंस होता है बैलेंस इक्वेशन को लिखने का, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हाउ टू राइट अ केमिकल बैलेंस इक्वेशन। नाउ पिछले स्लाइड में मैंने आपको बस रफली एक आइडिया दिया था कैसे बैलेंस इक्वेशन लिखी जाती है। अब यहाँ पर हम डिटेल में पूरी अच्छी तरह समझेंगे कैसे बैलेंसिंग की जाती है। देखिए बैलेंसिंग में यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि अगर आप थ्योरी पर जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसीलिए आप सीधा एग्जांपल्स को करते जाइए, उसमें बैलेंसिंग सीखिए। अल्टीमेटली आपको पेपर में बैलेंस करने के लिए इक्वेशन ही आएगी, आपसे कोई भी थ्योरी नहीं पूछेगा। तो हम यहाँ पर सीधा एग्जांपल्स के थ्रू बैलेंसिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल जो होगा वो है आपके एफी सल्फेट, यानी कि फेरिक सल्फेट को जब हीट करते हैं तो इन्होंने लिखा है Fe2O3 फॉर्म होता है प्लस SO2 फॉर्म होता है प्लस SO3। ये आपके बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, हम इसको बैलेंस करते हैं सो दैट एकदम क्लियरली आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो कभी आपको नॉर्मल इक्वेशन नहीं देंगे बैलेंस करने के लिए, ऐसे ही टफ क्वेश्चंस मिलते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बस आप इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखिए कैसे बैलेंसिंग की जा रही है। तो देखिए सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको रिएक्टेंट को देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपका फेरिक देखिए, रिएक्टेंट साइड में आपका सिर्फ एक ही एटम है आपका फेरिक का। नाउ फेरिक इज बेसिकली आयरन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस साइड में आपको दो एटम्स दिखाए गए हैं फेरिक के, ठीक है। नेक्स्ट आइए ऑक्सीजन के नंबर पे, तो यहाँ पर आपको 4 ऑक्सीजन दिखाए गए हैं, ठीक है। एंड इसके कंट्रास्ट में यहाँ पर आपको 3 + 2 + 3 = 3 × 3 = 6 एंड +2 = 8 ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सल्फर के अमाउंट पर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही सल्फर मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आपके 1 + 1 = 2 सल्फर, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ये पूरी तरह से अनबैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि एटम्स आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में अनबैलेंस है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं फेरिक को, यानी कि आयरन को। आयरन यहाँ पर एक है लेकिन वहाँ पर दो है, तो आपको सिंपली यहाँ पर भी दो कर देना है, ठीक है। तो देखो आयरन बैलेंस हो गया, टिक लगा दो ये बैलेंस, ठीक है। अब बचा क्या है बैलेंसिंग के लिए, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो देखो यहाँ पर दो लगाने से नंबर फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सल्फर का अमाउंट हो गया 2 एंड ऑक्सीजन का अमाउंट हो गया 8, ठीक है। अब देखो इसको मैच करो उधर से, क्या यहाँ पर भी 2 सल्फर है? आंसर इज येस। तो यानी कि सल्फर यहाँ पर एंड यहाँ पर दोनों ही जगह बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम ऑक्सीजन पर, तो बताओ ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 8, वहाँ पर भी कितना था? 8। दैट मीन्स सिर्फ एक 2 लगाने से ये पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो देखिए स्टार्टिंग में ये इक्वेशन कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट दिख रही थी एंड इसमें कुछ नहीं करना था, बस 2 लगा दिया हमने, यानी पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से करके देख लीजिए, यहाँ पर 2 फेरिक, 2 सल्फर एंड 2 × 4 = 8 ऑक्सीजन, यानी कि 2 + 2 + 8 यानी कि 12 हैं ओवरऑल एटम्स LHS में। एंड यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने थे? 2, यहाँ पर 3 + 2 + 3 + यहाँ पर 1 + 1 that will equals to 3 + 2 = 5 + 2 = 7 + 3 = 10 + 2 = 12 that is 12 atoms यहाँ पर भी हैं।
दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड ये इक्वेशन आपकी कहलाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर तीन मैंने और एग्जाम्पल लिखे हैं, अब इसको हम एक एक करके बैलेंस करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर आपका वाटर का फॉर्मेशन है, ठीक है. यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जब कंबाइन करके दिखाया गया है तो वो वाटर बनाते हैं, ठीक है ना. हाइड्रोजन जो होती है वो गैस के फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में, जबकि वाटर जो होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है. ये तो आपकी केमिकल रिएक्शन की खास बात होती है कि कभी भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपस में मैच नहीं करते हैं. रिएक्टेंट कुछ और होते हैं, प्रोडक्ट भी कुछ और ही बनता है, ठीक है. तो देखो इसको बैलेंस करेंगे तो आप सबसे पहले देखिए एटम्स कितने हैं यहाँ पर. तो आप देखो यहाँ पर दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के एंड एक एटम है ऑक्सीजन का, जबकि कंट्रास्ट में रिएक्टेंट साइड पे दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं एंड दो ही एटम्स ऑक्सीजन के, यानी कि चार हैं, ठीक है. तो आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा टू, ठीक है. तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन चार प्लस टू यानी कि छः एंड यहाँ पर आपके सिर्फ चार ही हैं, तो हमने यहाँ पर भी टू लगा दिया तो हो जाएगा आपका टू इंटू टू दैट इज फोर. तो अब यहाँ पर हो जाएगा फोर प्लस टू दैट विल इक्वल्स टू सिक्स, ठीक है. तो ये हो गई आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है. आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस आपको LHS एंड RHS साइड में एटम्स कितने हैं उसको देखना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप बैलेंसिंग करना सीख जाओगे, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसको भी कर ले जाएंगे, ठीक है. जैसे इसमें आपका दिया गया है MnO2 प्लस HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. तो यहाँ पर कई सारे आपके एटम्स हैं, तो इसको हम रफ कर लेते हैं नीचे वाले को, ठीक है, बाद में लिख लेंगे. सबसे पहले एटम्स कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीशियम पे आते हैं, ठीक है. तो बताइए मैग्नीशियम आपके रिएक्टेंट साइड में कितना है, तो सिर्फ एक ही है, ठीक है. जबकि इधर देखिए तो इधर भी सिर्फ एक ही है, तो ये तो आपका बैलेंस है. नेक्स्ट मूव करते हैं ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट साइड में मात्र दो है, जबकि अगर हम इसको इधर की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपका एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है. तो ये 1 Mn 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ये आपका कुछ अनबैलेंस है ना. तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हुआ. नेक्स्ट मूव करो हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक प्रेजेंट है, वन ही हाइड्रोजन है, जबकि इधर देखिए तो ये आपके टू हैं, ठीक है, टू हाइड्रोजन. नाउ नेक्स्ट अगर हम मूव करें क्लोरीन पर, तो क्लोरीन आपका इस साइड में सिर्फ एक है, जबकि यहाँ पर टू प्लस टू यानी कि फोर क्लोरीन प्रेजेंट है. तो ये अगेन एक अनबैलेंस इक्वेशन है, हमें इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है. तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन को, ठीक है. ऑक्सीजन यहाँ पर टू है, तो हम भी इसको टू करेंगे प्रोडक्ट साइड में, तो H2O में आप लगा दीजिए टू, ठीक है. तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर बढ़ गया, कितना हो गया, चार हो गया, ठीक है. अब इधर आओ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, सिर्फ एक, जबकि प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, चार, तो यहाँ पर लगा देंगे फोर, ठीक है. तो यहाँ पर आपका बैलेंस हो गया हाइड्रोजन. तो देखो कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, टिक लगा दीजिए यहाँ पर भी, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस. अब सिर्फ एक चीज़ हमारी अनबैलेंस बची है, दैट इज क्लोरीन. क्लोरीन का अमाउंट यहाँ पर कितना हो गया, फोर लगाने से चार, ठीक है, फोर क्लोरीन. एंड यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी फोर क्लोरीन था, तो ये तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया है, ठीक है. तो फाइनली ये रिएक्शन कैसी हो गई है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले आप एटम्स जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में, उनको अलग अलग कर लीजिए, उनके नंबर्स को, ठीक है. जैसे मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, तो इनका नंबर आप यहाँ पर लिख लीजिए, इनका सेम नंबर यहाँ पर कितने वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लिख लीजिए, फिर उनको एक एक करके बैलेंस करना स्टार्ट करिए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, AgBr जब आपका हीट होता है तो फॉर्म करता है Ag+Br2. नाउ Br2 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ब्रोमीन है वो अगेन आपका हैलोजन फैमिली का मेंबर है, दैट इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो ये कभी भी अपने
एटम के फॉर्म में यानी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर Br2 है, ठीक है, ये सिल्वर हो जाएगा Ag। ठीक है, तो AgBr जब आपका ब्रेक होता है तो AgBr2 बनाता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या अनबैलेंस है, ऑब्वियसली बात है देखने से ही पता चल रहा है ब्रोमीन अनबैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर दो है यहाँ पर एक है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 2 लिख देना है। ठीक है, 2 लिख दोगे तो ब्रोमीन आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 2 ब्रोमीन्स एंड 2 हो जाएंगे सिल्वर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सिल्वर का नंबर है वो तो सिर्फ एक है, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे 2 सिल्वर। तो यहाँ हो जाएगा 2 सिल्वर प्लस 2 ब्रोमीन दैट इक्वल्स टू 4 एटम्स, एंड यहाँ पर भी आपके 4 है, यानी कि ये इक्वेशन अब क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आज आपका होमवर्क यही रहेगा, ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस आप लीजिए एंड उसको बैलेंस करना सीखिए। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई भी इक्वेशन बिना बैलेंस के नहीं लिखी जाती है, नंबर आपके कट सकते हैं अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही बेहतर तरीके से ये आएगा। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग देखिए, रीजन ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन, क्यों कोई भी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, जितने भी एलिमेंट्स मैटर आपके अर्थ पर प्रेजेंट है दे ऑल फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इसीलिए अगर केमिकल रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करके कुछ बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में भी दो ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्योंकि एटम्स कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड और फॉर्म, इट ओनली रीअरेंज इटसेल्फ। ठीक है, तो सिर्फ वहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शन में, ना कि उनका डिस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ वो अपनी स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई बैलेंसिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन शुड बी इक्वल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, तो आज आपका यही होमवर्क रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप बैलेंस करना सीखिएगा एंड अपनी कमांड उस पर अच्छे से बना लीजिएगा।